स्टोरी वीत अरुण पर आप लोग सुन रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा की लिखी विजय विकास सीरीज की उपन्यास पाक साफ। लीजिए आज आप लोग सुनिए इस नॉवेल की 9वीं एपिसोड आरजे अरुण के साथ। लानत है मियाँ, लानत है ऐसे मुल्क पर, नुसरत बोला। मेरे मुल्क ने मेरे बारे में ऐसा कहा होता तो अपने ही मुल्क की बगिया बैठा देता। भला ये भी कोई बात हुई हुजूर? तो हुजूर तो अपने मुल्क में आतंकवाद फैलाने वाले के गाल लाल करने के लिए फड़फड़ा रहे हैं और मुल्क साला है कि कहने के साथ विकास ने चेहरे से सबेर सावना मास्क नोच लिया। अब वो साफ साफ विकास नजर आ गया था। विकास गुर्रा उठा, गाली मत बकना मेरे देश को, गाली नहीं। अरे मगर हुजूर, हिंदुस्तानी सरकार ने जो कहा ठीक कहा। उनकी बात काट कर विकास सुलगते स्वर में कहता चला गया, सचमुच मेरे किसी कृत्य की जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है। मैं जो कुछ करने निकला हूँ व्यक्तिगत असर पर करने निकला हूँ। विकास को सबेर साह भरने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरा मुल्क मेरे साथ नहीं था, मेरे गुरु मेरे साथ नहीं थे। वे साथ होते तो तुम्हारी इस नपाक धरती पर पहुंचने के लिए इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते। सूखे विकास अपहरण करवा पड़ता, विजय गुरु को चकमा देने के लिए इतना लंबा बीड़ा प्लान बनाना पड़ा। सुन लो तुगलक मियाँ, कान खोलकर सुन लो, नुसरत ने विकास की खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में कहा। हसरत अभी तक डसी गलतफहमी के शिकार है कि वे अपने प्लान में यहाँ आए। विमान अपहरण इनका अपना कारनामा है। जब तक हुजूर को बताओगे नहीं तब तक हकीकत का पता कैसे लगेगा? क्या मतलब? विकास का चौंका हुआ स्वर, तुम लोग कहना क्या चाहते हो? कहना कदापित कि तुम भी सुप्रीमो और हमारे षड्यंत्र के तहत यहाँ आए हो। और कहना ये चाहते हैं बंदा परवर कि तुम भी मूर्ख हो और तुम्हारा मुल्क भी। नुसरत कहता चला गया, मुल्क इसलिए क्योंकि अपने तुम जैसे हीरो को तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया, हमारे हवाले कर दिया, हम जैसा अंदाजा, हम जैसे जल्लादों के हवाले। अब किसी भी कीमत पर हम तुम्हें जीवित छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तो हमें तुम्हारा शिकायत करने का अंतर्राष्ट्रीय सेंस भी मिल चुका है, पर और ये लाइसेंस खुद तुम्हारे मुल्क ने दिया है। भला इससे बड़ी बेवकूफ़ी भी क्या होगी? और तुम बेवकूफ़ इसलिए हो क्योंकि अभी तक खुद ही का विमान अपहरण का हीरो समझ रहे हो। विमान अपहरण के होंगे तुम नहीं, हम हैं। हम पाकिस्तान के अजमोसान जासूस। विमान अपहरण तुमने किया नहीं बल्कि तुमसे कराया गया है और कराने वाले थे हम। हमने यही पाकिस्तान ही में बैठे बैठे तुम्हें साजिश रची कि तुम वही करने लगे जो हम चाहते थे। विकास बोला, मैं जानता हूँ तुम दुनिया के नंबर वन कफोटी नो आपकी दुआ से हम हैं, मगर आपको ये मानकर दुख होगा कि इस वक्त इस मंसल पर गप नहीं हाँक रहे। इस बार नुसरत ने बोलना शुरू किया था, सबूत इसका यह है कि सुप्रीमो हमारा ही प्यादा है। सुप्रीमो, उसने चौंकने का नाटक किया। नुसरत बोला, चौंके सरकार ये सोचकर कि हम इस नाम के शख्स को कैसे जानते हैं? वाकई चौंकने की बात है। विकास ने फूना कहा, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे लियाकत सनवर और ऑस्कर के पीछे सुप्रीमो था? अभी अभी फरमाया सरकार, ओ पट्ठा तो प्यादा ही हमारा था। उधर तुमने आग बबूला होकर जनरल साहब के गाल पर थप्पड़ मारने के ऐलान किया। इधर हमारे नेतृत्व में भारत स्थित ISI के एजेंट सक्रिय हो गए। उन्होंने पता किया तुम सराय में हो और कहा कि मालकिन इन शांता से तुम्हारा मुठभेड़ हो गया है तो राजनगर में ISI के कमांडर यानी सुप्रीमो ने हमसे ट्रांसमीटर पर कहा। इससे बेहतरीन मौका हाथ नहीं लगेगा सर,
जाने कब वे पाकिस्तान से विकास के लाश का तलबगार है। इस वक्त सराय में उसकी स्थिति चूहे जैसी है। हमारे आदमी बड़े आराम से वहाँ जाकर उसे मौत की घाट उतार सकते हैं। हालांकि कहा सुप्रीमो ने भले ठीक हो मगर हमने उसे कस कर डांट दिया। कहा अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करो, केवल ये कहते जाओ जो हम कहें। और कहा हमने ये अपने तीन जबाज अलकायदा के आतंकवादियों के रूप में सराय में भेजो और उनसे कहो सराय की मालकिन के सामने वे ऐसी बातें करें जैसे किसी विमान को अपहरण करने के तलबगार हो। ऐसा हमने इसलिए कहा था क्योंकि जानते थे इस बात का जिक्र शांता तुमसे जरूर करेगी और तुम जो पहले ही विजय की कड़ी पेशबंदी के कारण राजनगर से निकल नहीं पा रहे हो, तुम्हें पाकिस्तान पहुंचने का एक शानदार रास्ता नजर आने लगेगा। वही हुआ, ठीक वही। शांता से लियाकत और असगर की इरादों का पता लगते ही तुमने उन्हें ज्वाइन करने की ठान ली। ज्वाइन किया, हमारे ही निर्देश पर सुप्रीमो भी सराय में जाकर तुमसे मिला। एक बार फिर उसने तुम्हें सराय में ही ख़त्म कर डालने का प्रस्ताव रखा, हमने फिर झटक दिया। वो बेचारा बार बार इस प्रस्ताव इसलिए रख रहा था क्योंकि सोचता था इस वक्त तो सारी कमान हाथ में है, बड़ी आसानी से विकास को ख़त्म कर दिया जा सकता है। कल का क्या भरोसा, कमान अपने हाथ से निकल भी सकती है। मगर हमें पूरा यकीन था, जी जान हमने बिछाया है, जो जाल हमने बिछाया है उससे तान किसी भी लम्हे कमज़ोर ताने बाने कमज़ोर हाथ में नहीं निकलने देंगे। हमारा मकसद केवल तुम्हारा खात्मा ही नहीं था बल्कि तुम्हारे जरिए तुम्हारे मुल्क को बदनाम कर देना भी था। ये साबित करना था कि पाकिस्तान तो हिंदुस्तान में आतंक फैला रहा है या नहीं, मगर एक हिंदुस्तानी पाकिस्तानी में कि विमान अपहरण जैसा कुकृत्य कर रहा है। और देखो हम बात साबित करने में कामयाब भी हो गए, कामयाब भी ऐसा कि तुम्हारे मुल्क तक तुमसे पल्ला झाड़ना पड़ा। ये साबित करना था कि पाकिस्तान तो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैला रहा है या नहीं, मगर एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान में आने के लिए विमान अपहरण जैसा संगीन जुर्म कर रहा है। और देखो हम ये बात साबित करने में कामयाब हो गए, इस कदर कामयाब हुए कि तुम्हारे मुल्क तक को तुम्हारे कृत्यों से पल्ला झाड़ना पड़ा। सोचो छटंकी मियाँ, सोचो जितनी मदद विमान अपहरण करने में सुप्रीमो ने तुम्हारी की है वो न की होती तो क्या तुम विमान अपहरण कर पाते? नहीं ना। अब सोचो विमान अपहरण तुमने खुद किया है या तुम्हें अपने जाल में फंसा कर हमने कराया है, कौन हुआ विमान अपहरण का असली हीरो? तुम कदम कदम पर केवल वही करने के गुनहगार हो जो हमने चाहा, और कितना शानदार चाहा था हमने। हालात देखो क्या है, सारी दुनिया के साथ साथ खुद तुम्हारा अपना मुल्क भी आंसू में विमान अपहरण जैसे संगीन जुर्म का मुजरिम मानता है। सनवर लियाकत और असगर को विश्व अलकायदा के आतंकवादी समझ रहा है जबकि असल में वे ISI के जासूस हैं। उनके जरिए हम संसार को ये संदेश देने में भी कामयाब हुए हैं कि कश्मीर को आज़ाद कराने से पहले अलकायदा खामोश बैठने वाला नहीं है। बहरहाल अंततः कश्मीर को भारत से अलग कर देना ही तो हमारा लक्ष्य है। इधर मौजूदा हालात में अगर हम तुम्हें सरेआम फांसी पर ही लटका दें तो दुनिया में कोई पाकिस्तान को गलत कहने वाला नहीं है। सोच खुद को दुनिया का सबसे खतरनाक लड़का समझने वाले गधे, सोच अपनी एक ही चाल से हमने कितने शिकार कर डाले। हराम जादो कुत्तो, उछीक पड़ा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम यही बात तो ठूसना चाहते थे हम तेरी ये भूखी हुई खोपड़ी में। कामयाबी के नशे में चूर नुसरत कहता चला गया ये कि नुसरत तुगलक ओ कर चुके हैं जिसे तू और तेरा ये मर्दूद गुरु तो क्या सारी दुनिया सोच तक नहीं सकती। दुनिया चाहती थी, पाकिस्तान के हुक्मरान भी चाहते थे कि विमान से बाहर आते ही एयरपोर्ट पर ही पर तेरे चेहरे पर चढ़ा सबीर शाह वाला फेस मास्क नोच लिया जाए ताकि दुनिया भर में चल रहे लाइव टेलीकास्ट पर उस दृश्य को देखा ना जा सके। मगर हमने ऐसा नहीं होने दिया,
सख्त हिदायत दी कि विकास को ये पता नहीं लगना चाहिए कि बच्चा बच्चा उसकी विकास होने का भेद जान चुका है। हमारे सामने पेश होने तक वो इसी भ्रम का शिकार रहना चाहिए कि लोग उसे अभी भी सबीर शाह ही समझ रहे हैं। इसलिए तुम्हारी खातिर पाकिस्तान के दामाद की तरह की गई तुम्हारी खातिरदारी, हर उस अक्षर को पूरा किया गया जो सुप्रीमो ने तुमसे कहा था। उसने कहा था अगर तुम एक ज़बरदस्त कमांडो कार्रवाई के बाद विमान अपहरण करके कराची ले गए तो दुनिया की नज़र में भले ही विमान को आतंकवादियों से मुक्त किया गया साबित हो जाए, परंतु असल में वो कार्रवाई नूरा कुश्ती होगी। दामाद होगे तुम पाकिस्तान सरकार के। तुम्हारे इस कमरे में दाखिल होने तक वहीं सारा ड्रामा खेला गया। सनवर, लियाकत और असगर तक को मालूम नहीं था कि तुम विकास हो। असगर बेचारा तो खैर मारा गया, परंतु लियाकत और सनवर अभी तुम्हें सबीर शाह ही समझ रहे हैं। ये वाकई पाकिस्तान के दामाद है और रहेंगे। इतना लंबा ड्रामा हमने अपनी केवल एक ही हसरत पूरी करने के लिए किया, ये कि जब तुम पर ये भेद खुले कि तुम्हारे भेद से हर कोई वाकिफ है, तुम हमारे नुसरत तुगलक के सामने हो ताकि तुम्हारे चेहरे पर फैले आतंक को अपनी आंखों से देख सके। तुम्हारे चेहरे के जर्रे जर्रे पर हम अपनी कामयाबी की इबादत लिख देना चाहते थे। छटंगी प्रसाद, यही इबादत लिख देना चाहते थे। और बस उस सीढ़ी में इससे आगे का दृश्य नहीं था, अर्थात अशोक पांडे को अपने चेहरे से विकास का मास्क उतारते नहीं दिखाया गया था। मैसेज यहीं गया, सबीर शाह विकास है और वो नुसरत तुगलक के चंगुल में फंस चुका है और विकास ने तो कुछ किया ही नहीं। विमान अपहरण तक की साजिश नुसरत तुगलक ने रची थी, विकास तो मोहरा बन गया था उनका। सनवर, लियाकत और असगर अलकायदा के आतंकवादी नहीं बल्कि आईएसआई के जासूस थे। नुसरत तुगलक द्वारा सारी ये डींगे ने सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा ला दिया था। अब भारत को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, राजनीतिक स्तर पर कुछ कहा भी नहीं गया। जो कहा मार ने कहा, दुनिया ने कहा, पाकिस्तानी टीवी पर सन्नाटा छा गया, कोई प्रोग्राम ही नहीं आ रहा था। कभी थी तो बस इतनी कि माल नहीं, बाकी सभी देशों के सभी चैनल्स पर वो फिल्म चल रही थी। यहाँ तक कि जो न्यूज़ चैनल नहीं थे वे भी उस फिल्म को दिखा रहे थे। दुनिया सवाल कर रही थी, पाकिस्तान में किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और रजनी शर्मा उधर गई पाकिस्तान की सड़कों पर, जब वो पाक के आम नागरिकों के छोटे छोटे इंटरव्यू लेती घूम रही थी, पूछती फिर रही थी कि वो फिल्म उन्होंने विदेशी चैनल पर देखी, उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। लगभग सभी ने अलग अलग शब्दों में एक जैसी बात कही, ये कि उनका सिर शर्म से झुक गया है, पाकिस्तानी सरकार की कलई खुल गई है, नुसरत तुगलक को अब शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए, आज हमें अपने पाकिस्तानी नागरिक होने पर शर्मिंदगी है। और फिर पाक टीवी ने सरकारी विज्ञापन जारी की, कहा गया आज तक द्वारा दिखाई गई फिल्म को देखकर सारी दुनिया हैरान है, सबसे ज़्यादा हैरान तो खुद पाकिस्तान है, सवाल उठता है वो फिल्म कब और कहाँ बनी, किसने और क्यों बनाई। इन सब की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बना दी गई है। हालांकि इस बात का पता तो जांच के बाद ही चलेगा कि फिल्म में कितनी सच्चाई है, मगर शुरुआती जांच में इस बात के संकेत मिले हैं कि ये फिल्म एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे साबित होता है ये साजिश मुशर्रफ साहब के दुश्मनों ने उन्हें बदनाम करने के लिए तैयार की है। उनमें आईएसआई का चीफ और नुसरत तुगलक प्रमुख है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, सारे देश में उनके समर्थकों को धरपकड़ की जा रही है और अन्य गतिविधि तलाश है। इन लोगों पर विशेष अदालत में मुकदमा चलेगा, किसी हालत में बच नहीं जाएंगे इन्हें, क्योंकि सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का है। एक व्यक्ति से खुन्नस निकालने के फेर में इन्होंने पूरे मुल्क को कलंकित कर डाला है। इस पर राष्ट्र दो के तहत राष्ट्र
द्रोह के तहत मुकदमा चलेगा, अर्थात मामले को सियासी रंग दे दिया गया। ठीक रहा नुसरत तुगलक और आईएसआई के चीफ के सिर पर कोई बम फोड़ गया। सरकार उनसे पल्ला झाड़कर साफ निकल जाना चाहती थी। टीवी पर नुसरत तुगलक की गिरफ्तारी की फिल्म दिखाई गई। अभी के ऑफिसर आईएसआई के चीफ के हाथों में हथकड़ियाँ डाल रहे थे। अन्य लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई। माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा था जैसे सरकार अपने खिलाफ रची गई किसी बड़ी साजिश से जूझ रही हो, जिसे विरोधियों ने मुशर्रफ का तख्ता पलटने की कोशिश की हो। एक मुलाकात में मुशर्रफ ने कहा, हम खिलाफ नहीं हैं, मुखालफत होनी चाहिए, लेकिन उसे भी हद है। किसी को भी ऐसा करने का हक नहीं दिया जा सकता जिससे मुल्क बदनाम हो। आईएसआई का चीफ और नुसरत तुगलक के केवल चेहरे मिल रहे, उनके साथ बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, उनके नाम सीमा पार ने भी जुड़े हो सकते हैं। पूरी हकीकत खैर बाद ही जानने आएगी, मगर हम ये कह सकते हैं कि नुसरत तुगलक को आईएसआई ने अगर ऐसा कुछ कहा और किया है तो जैसा फिल्म में दिखाया गया है तो उनका हमारी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अब हम उन्होंने बगैर हमारे हुक्म के और बगैर हमारी किया है, अब अंजाम वो भुगतने के लिए तैयार होंगे। सबके काम लेने और चैनल पर बनाए रखने की, शांति बनाए रखने की मैं सारे देशवासियों से अपील करता हूँ। नुसरत भैया, हाँ तुगलक बहन, ये क्या दिन दिखा दिया तूने मुझे। पहली बात, इस वक्त दिन नहीं रात है, और दूसरी बात, मैंने क्या किया। तूने ही छोड़ दिया था दीवट को, कहा वो कोहिनूर है, उसी वक्त चीफ साहब की बात मान लेता, विकास ही को ख़त्म कर देता। भाले की तो इस वक्त यहाँ जेल के अंदर तन्हाई में न पड़े होते। सब खाना उसी का करा धरा है, पट्टे ने बाजा बाजा दिया हमारा। हमारा क्यों, पूरे पाकिस्तान का ही ढोल बजा बजा कर तो कान फाड़ डाला उसने। सारी दुनिया थू थू कर रही है हम पर, थू थू ही कर रही है ना, थूक तो नहीं रही, आने वाले समय में तो थूक भी देगी। अबे क्या कान कर रहा है, मुल्क है हमारा, मुल्क होगा तेरा, तेरे बाप का, उसके बाप का, तेरे पूरे खानदान का, मेरा काहे का मुल्क है। साला जरा सा पैतरा उन्होंने पढ़ा नहीं कि लाकर डाल दिया यहाँ। पल्ला झाड़ कर खड़े हो गए एक तरफ, कहते नुसरत तुगलक ने जो किया उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, देशद्रोही हो गए हम, उनके विरोधियों के मोहरे हो गए। मियाँ जुबान खोल दूँ तो चूल्हे पर पानी नहीं मिलेगा डूब मरने के लिए उन्हें। वो जो साला सीक्रेट सर्विस का चीफ हो लगा, उसी की तो सौ गया हमने गिरफ्तार करने, उसी की नेतागिरी में तो लाकर डाल गया हमें यहाँ। मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। सोचने के लिए खोपड़ी बची है तेरे पास, याद है उसकी मुस्कान? ना, कोमा में चला गया हूँ मैं जब वो हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डालकर अखबार न्यूज़ से फ़ोटो खिंचवा रहा था। ऐसी मुस्कान थी जैसे किला फतह कर लिया हो। सोच रहा हूँ साले में हमसे पंगा लेने का दम कहाँ से आ गया। उस दिन मीटिंग में हमारे खिलाफ सबसे ज़्यादा वही बोल रहा था, बोल क्या रहा था, मरवाने के काम कर रहा था उस 2% के जनरल को। सब उसका सम्मान कर रहे, खुद जनरल भी। ऐसे मौक़ों पर लफ्जबाजियाँ अच्छी लगती है, हकीकत किसी को अच्छी नहीं लगती। तभी तो हमारी आवाज़ मखाने में तिथि की आवाज़ बन गई थी। सरेआम लेकर घूमेगा जनरल को, साले छटंकी से पाला नहीं पड़ा है अभी। नुसरत भाई, बात पक्की समझ, ये साले जनरल के गाल छटंकी से पिटवा कर ही मानेंगे। यही बिल्कुल यही तो कहना चाहता हूँ मैं, तो मुझसे पहले क्यों नहीं कहा। मुझे लगता है ये साजिश अकेले धीवट की नहीं है। ओह, उस 2% के जनरल की तरह मुझे भी तीर सीमा पार से जुड़े नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता, क्यों हो सकता है, सोच। धड़ पर नारियल लटकाए यहीं घूम रहे हैं तो सोच। छटके ने जनरल साहब का मुंह थपेटने का ऐलान किया है, कोई नई बात नहीं है यार, वो पाकिस्तान में पहुंच चुका है। संशोधन कर, पाकिस्तान में नहीं, कराची में पहुंच चुका है।
पाकिस्तान में ऐसा कौन है जो जनरल साहब के गाल पर पड़ने वाले छटंगे के चाटे को रोक सके? कोई नहीं। अबे जवाब तो सही दे, हम है ना पाकिस्तान के अजीमशान जासूस, हम है नहीं थे बना दिए गए हैं अब हम। यही कहने की तो कोशिश कर रहा हूँ मगर कह नहीं पा रहा क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तू कह क्या रहा है। मुकम्मल पाकिस्तान में केवल हम है जो इस थप्पड़ को जनरल साहब के कपोल पर पड़ने से रोक सकते हैं। अकेले हम और हम ही यहाँ पड़े हैं, बल्कि कचरे के डिब्बे की तरह लाकर डाल दिए गए हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि कहीं सीमा पार के साजिश तो नहीं आई है, कहीं उस पार यही तो नहीं सोचा गया कि सबसे बड़ी अड़चन यही है, सबसे पहले उन्हीं को साजिश में लपेट कर जेल में डलवाओ, उसके बाद तो जनरल साहब का मुंह थपेड़ना आसान हो ही जाएगा। यही बिल्कुल यही बात है। क्या बात कह दी नुसरत बहन, दिल खुश कर दिया, जी चाह रहा है तेरी खोपड़ी फाड़ डालूँ, उसके अंदर फिट जेहन का चुंबन ले डालूँ। अगर ऐसा है तो सीमा पार तालों की बहुत बड़ी साजिश कामयाब हो गई है, नुसरत ने कहा। और ये बात उन्हें समझाई जानी चाहिए जिन्होंने हमें यहाँ डाला है। कोशिश भी करेगा तो ये समझेंगे नहीं। क्यों? सीमा पार वालों की साजिशों में जो फंसे हुए हैं, उस साजिश ने दिमाग जो अगवा कर लिए हैं उनकी। अपनी बात कहेगा भी तो ये समझेंगे नुसरत तुगलक कालकोठी से निकलने के लिए तिगनम लड़ा रहे हैं। और फिर उन्हें चेताने की खुजली क्यों हो रही है मुझे? मतलब मैं तो दुआ करता हूँ खुदा से छटंकी उस 2% के जनरल का मुँह थपेट डाल ले। जो हीरो की कदर नहीं जानता उनके साथ यही होना चाहिए। कम वक्तों को नुसरत तुगलक की कीमत का पता तो लगे। बात तो ठीक है यार तेरी, हम क्यों सिर दर्द करें? आराम का मौका मिला है, सिर ढक कर सो जाना चाहिए। मैं तो सो भी चुका। और बस काल कोठरी में सन्नाटा छा गया। मजा आ गया गुरु, मजा आ गया। मारे खुशी के विकास झूम रहा था। टीवी का स्विच ऑफ करने के बाद अल्फांसी की तरफ पलट कर बोला, ने एक नापाक मुल्क की कलाई खोल कर रख दी आपने एक ही झटके में, सब तेरी मेहरबानी है विकास। अल्फांसी के होठों पर रहस्यमय मुस्कान थी। मैंने क्या किया गुरु, कुछ भी तो नहीं किया। टीवी के नज़दीक से वापस आकर वो अल्फांसी के सामने वाले सोफे पर बैठता हुआ बोला, सब कुछ तो आप ही ने किया है, आपने ये फिल्म तैयार ना की होती तो ये पाक मुल्क दुनिया के सामने बदनाम ना होता। मगर मेरे ख्याल से अब रजनी शर्मा खतरे में है। कैसे खतरे में? यहाँ का प्रशासन झल्लाया हुआ है, विशेष रूप से 3 निशाने होंगे उनके, मैं आप और रजनी, मैं और आप तो मिलने से रहे, रजनी शर्मा सामने है मैदान में, अभी भी सड़कों पर लोगों के इंटरव्यू लेती घूम रही है, ये लोग गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी और तरीके से उस पर हमला कर सकते हैं। अल्फांसे के होठों पर अर्थपूर्ण मुस्कान आई। क्या मतलब समझो? मैं अच्छी लड़की है वो, मुस्कान गहरी हो गई। गुरु दिमाग घूम गया क्या आपका? और लगता है तेरी दीवानी भी हो गई है। मगर मैं किसी का दीवाना नहीं हुआ, बातों से तो ऐसा ही लगता है जैसे हो गया हो। मेरी कौन सी बात से ऐसा लगा आपको? किसी के लिए कोई खास तौर पर किसी जवान लड़की के लिए जवान लड़का यूं ही फिक्रमंद नहीं हुआ करता। गुरु वो हमारे काम आई है। क्या काम आई? वो अपने चैनल पर हमारी फिल्म ना दिखाती तो? गलतफहमी है तेरी, हमारे काम नहीं आई, अपनी ड्यूटी की उसने। एक्सक्लूसिव खबर की तो खोज में रहते ही ये लोग, बल्कि काम तो यूं आया उसके, खुद जाकर वो खबर दी जिसने न्यूज़ चैनल की दुनिया में आज उसके चैनल का डंका बज रहा है। किसी और चैनल के कॉर्पोरेटर को देता तो वो भी यही करता, आज उसके चैनल का डंका बज रहा होता। मगर तुझे तो उसके चैनल का डंका बजवाना था, रजनी शर्मा का। अगर मैं पूछूं ऐसा क्यों, उसी को क्यों चुना तूने, क्यों नहीं सीडी किसी और चैनल के किसी और संवाददाता को पहुँचा दी? बात की खाल मत निकाला गुरु, मैं अब जानना ही उसे था, वही तो कह गई हूँ मैं। अल्फांसे ने विकास को तीखी नज़रों में देखते हुए अपने एक एक शब्द पर जोर दिया, जान पहचान काफ़ी नज़दीकी हो गई है, जल्दी जल्दी कई बार मुलाकातें हुई है, सुना है इंडिया में तो उसने अपने खून से तेरे मस्तक पर तिलक भी लगा दिया था। प्लीज़ प्लीज़ गुरु बहुत हो चुका, अब बंद करो ये बात। क्यों बंद करूँ?
तो किसी लड़की के लिए फिक्रमंद हो और मैं नोटिस ही ना लूँ, ये तो मेरे मामा होने पर लानत वाली बात हुई ना। बड़ों का फर्ज है बच्चों की इच्छाओं को इशारों में समझ। उफ, मैं उसकी हिफाजत को लेकर फिक्रमंद था गुरु। क्यों, क्या तू इतना बेवकूफ़ है कि इतना भी नहीं समझता? पाकिस्तानी सरकार उसे उंगली लगाना तो दूर, उसकी तरफ उंगली उठाने तक की हिम्मत नहीं कर सकती। माहौल ही ऐसा है, पहले ही क्या कम छिछालेदारी हो रही है जो यहाँ की सरकार उस पर हाथ डालकर वर्ग के छाते को छेड़ेगी। रजनी को कुछ भी हो गया तो मीडिया पाकिस्तान को फाट कर खा जाएगा, और पाक सरकार इस बात को समझती है, इसलिए ओके गुरु, अगर आप संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। अब फिक्र नहीं करेगा उसकी? क्यों, उस झकझकिए की तरह सारी जिंदगी कुंवारा रहने का इरादा है क्या? गुरु, विकास बोरसा हो गया, क्या हमारे पास इस किस्म की बातें करने का टाइम है? क्यों, टाइम को क्या हुआ, कर तो चुके जो करना था। क्या मतलब, पड़ तो चुका पाकिस्तान के गाल पर थप्पड़। गुरु, आंखें सिकुड़ गई लड़के की, आप कहना क्या चाहते हैं? देखो प्यारे, कहानी के साथ अल्फाज से अपने स्थान से खड़ा हो गया, फिर कमरों में चहलकदमी से करता हुआ उसे समझाने वाले अंदाज में बोला, तो पाकिस्तान के गाल पर थप्पड़ मारने निकला था, सो पड़ चुका। सोच, जो थप्पड़ तो मारना चाहता है वो क्या इससे करारा होगा, इससे जिसने सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा कर दिया है, सरकारी विज्ञप्तियाँ जारी करके पाकिस्तान आज कहता भले ही चाहे जो रहे हो, मगर समझता वो भी है कलई खुल चुकी है, विश्व का छोटे से छोटा देश भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा, टीवी पर उस देशों का टिप्पणियाँ सुन चुका है, कोई उसके साथ नहीं है। इस चाटे से बरसों तक पाकिस्तान का गाल झंझनाता रहेगा, ऐसा है भी तो ये चाटा आपने मारा है, मैंने नहीं। तू और मैं क्या अलग अलग है इस मामले में? तो अलग ही है, हिंदुस्तानी नहीं है आप, और मैं हिंदुस्तानी थप्पड़ मारने निकला हूँ, ये थप्पड़ भी हिंदुस्तानी ही है। वो कैसे, क्योंकि थप्पड़ मैंने अकेले नहीं मारा। आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लुमड़ के समझाने के अंदाज में कमी है, हम समझाते हैं। उछल पड़ा विकास, उछल के उस सोफे से खड़ा हो गया जैसे सोफा अचानक से नाक के फल में तब्दील हो गया हो। वो उस आवाज को जिसने अंतिम वाक्य को बोला था लाखों में पहचान सकता था, उसके गुरु की आवाज थी वो, विजय गुरु की। पलक भी नहीं झपकी थी कि विकास फिरकिनी की मानिंद अपने पीछे घूमा, आवाज उसी दिशा से आई थी, मगर उधर नजर पड़ते ही एक बार फिर बहुत चक्कर आ गया। पर्दे के पीछे से बाहर तो आया था एक शख्स, लेकिन विजय नहीं था। एक ही झटके में विकास ने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया, पर्दे के पीछे से प्रकट हुआ शख्स पर तान भी दिया, परंतु रिवॉल्वर पर पकड़ ढीली पड़ती चली गई, हाथ झुकता चला गया। ऐसा उस शख्स की चाल को देखकर हुआ था, विजय की ही चाल थी वो, उसके गुरु की चाल। उसे यकीन हो गया कि वो विजय ही है जो होठों पर मुस्कान लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। विकास के चेहरे से तनाव भले ही छट गया हो, मगर आश्चर्य का एक जर्रा भी कम नहीं हुआ था। उस स्वप्न तक में यहाँ विजय की कल्पना नहीं कर सकता था। पलट कर अल्फांसे की तरफ देखा, अल्फांसे के होठों पर मौजूद मुस्कान ने तो उसके होश ही उड़ा दिए। वो मुस्कान बता रही थी कि अल्फांसे विजय की वहाँ मौजूदगी के बारे में पहले से ही जानता था। उसके चेहरे पर विजय को देखकर चकित रह जाने का कोई भाव नहीं था। ये क्या खेल है गुरु, क्या खेल है ये? आश्चर्य की पराकाष्ठा के कारण विकास के अलग से चीख से निकल पड़ी, विजय गुरु यहाँ पाकिस्तान में, और आप ये सब जानते भी थे? तभी तो कहा थप्पड़ हिंदुस्तानी है, अकेले मैंने नहीं जाना, हाथ झकझकिए का भी था, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। गुरु लोग तो तुम पता नहीं क्या खेल खेल गए, हम समझाते हैं प्यारे, समझाने के लिए तो प्रकट भय, वरना अंतर्ध्यान थे। उसके बेहद नज़दीक पहुँच चुके विजय ने कहा, बात को शुरू से पकड़ते हैं ताकि तुम्हारी बुद्धि के खांचे में ठीक से फिट हो सके। रामनवमी और ईद के दिन जब राजनगर में दंगे शुरू हुए और तुम गुप्त भवन, क्या गलत किया विकास ने? पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ औषधि युद्ध छोड़ रखा है, कभी कहीं बेकसूर नागरिकों की लाशें भी छा देता है, तो कभी कहीं और हम कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी करने का ऑर्डर नहीं मिल रहा है हमें, ये कहाँ के न्याय है?
जब ऐसी बहुत सी बातें कही हमने, तब रक्षा मंत्री थोड़ा नरम पड़े, बोले, मिस्टर विजय, हम तुमसे सहमत है कि या तो कुछ जाना ही चाहिए, मगर ये कोई तरीका नहीं हुआ जो विकास ने अपनाया है। इससे तो हिंदुस्तान की बदनामी होगी। और हमने उनका ये जुमला पकड़ लिया कि किया तो कुछ जाना ही चाहिए। कहा, तो आप हमें आदेश दे रहे हैं कि कुछ करें? थोड़ा अचका जाते हुए वे बोले, मगर विकास की तरह प्रचार करके तो कुछ भी करना बेवकूफ़ी है। मैंने कहा, उसे रोक लिया जाएगा, मगर बगैर प्रचार करे तो कुछ किया जा सकता है ना? उन्होंने तुरंत कहा, नहीं, वैसा कुछ नहीं जैसा वो हमारे मुल्क में कर रहा है। बेगुनाह नागरिक यहाँ के हो या वहाँ के हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान अगर बेवकूफ़ी कर रहा है तो हम बेवकूफ़ी नहीं कर सकते। मैं बोला, ये बात तो ठीक है सर, परंतु हम कोई ऐसी कार्रवाई तो कर ही सकते हैं जिससे ना देश की बदनामी हो और ना ही पाकिस्तान का कोई बेकसूर नागरिक मारा जाए, और वहाँ की सरकार पहुँचे तब हम और ब्लैक वाय इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान को भनक भी मिल जाए। उन्होंने कहा, हाँ, ऐसे कुछ हो सकता है, तो कि हरकतें अब हाथ से बाहर निकलने लगी है, उन पर लगाम लगाने के लिए क्या किया जाए। तो उसके बाद तुम पहुँचे, बात सुनने भी यही कही, मगर कहीं इस अंदाज से कि हमें लगा इस वक्त तुम्हारा समर्थन करना नेम पर करेले के चढ़ाना हो जाएगा, इसलिए विरोध में बोलना शुरू किया, बात समझने की कोशिश की, मगर तुम इसे पुत कहाँ हो जो समझाए से समझ जाए। हाथापाई शुरू कर दी तुमने, ब्लैक वाई की कमजोरी के कारण तुम वहाँ से निकल भागे, तुला राशि को फ़ोन किया, घेरने की कोशिश की तुम्हें, मगर तुम न केवल उसकी नाक में नकेल डालकर निकल गए बल्कि सारी दुनिया में तहलका भी मचा दिया। कोई नई बात बताओ गुरु? यही बता रहे हैं प्यारे, तहलका ऐसा मचा कि खुद रक्षा मंत्री का फोन हमारे उस फोन पर आया जिसका नंबर दुनिया की किसी डायरेक्टरी में नहीं है। हमने कड़े लहजे में पूछा, गया ये सब क्या है? क्या हरकतें की विकास ने? वो अपने इरादे में कामयाब हो गया तो विश्व जनमत के सामने भारत सरकार को जवाब देना भारी हो जाएगा, किसी भी हालत में उसे रोको। तब हमने वो सुर नहीं पकड़ा जो तुम्हारे सामने पकड़ा था, बल्कि तुम्हारा वाला सुर पकड़ा, कहा, किसी चीज़ की हद भी तो होती है सर, विकास जैसा करना चाहता है किया जाना चाहिए, बस अंधे को क्या चाहिए, ऑर्डर मिल चुका उधर से, हमने उसी क्षण से इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। ईमानदारी से बताए, उसके बाद तुम्हें पकड़ने की हमने एक भी ईमानदार कोशिश नहीं की। हाँ, ये नाटक जरूर जारी रखा कि हम तुम तक पहुँचने के लिए एडी से चोटी चक का जोर लगा रहे हैं, सीक्रेट एजेंट्स की मीटिंग बुलाकर तुम्हारी बर्खास्ती तक का ऐलान कर दिया। जानते थे तुम उनमें से किसी के काबू की चीज़ नहीं हो, ऊपर से वे दिल से हमारे हुक्म के फेवर में नहीं है। आगे चलकर झांझरों के और गोगिया पासा ने ये बात साबित भी कर दी, अपनी समझ में पट्टे हमें ही बाहर भी दे गए। ओह, तो आप ये भी जानते हैं? ये पूछो दिल जले कि हम जानते क्या नहीं है, विजय कहता चला गया। इसमें कोई शक नहीं कि 5 दिन तक जब तक तुम काले खां की सराय से बाहर नहीं निकले, हमें भनक नहीं लगी कि तुम हो कहाँ, मगर जैसे ही बाहर निकले, जिया का क्रियाकर्म किया, गुलफाम के जरिए पता लगा कि तुम काले खां की सराय में हो। अब सोचो, वहाँ से हम खुद सीधे काले खां की सराय क्यों नहीं गए? क्योंकि फोर्स के साथ तुला रास्ते को भेजा, क्योंकि जानते थे कि तुम उसे धत्ता बताकर निकल जाओगे, हम पहुँचते तो पहले तो तुम निकल ही ना पाते, कोई ड्रामा करके निकाल भी देते तो लोगों को ये बात हजम नहीं होती कि चेला गुरु को चित करके निकल गया। बड़ी मेहरबानी आपकी, पर हर कदम पर साबित तो ये करना ही था कि हम तुम तक पहुँचने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। सो जब सांप निकल गया तो सराय जा पहुँचे, शांता से झक मारी, झक भी बेवजह नहीं मारी थी, ताड़ गए कि वो तुम्हारे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर ही नहीं रखती बल्कि तुमसे मिली हुई है। निगरानी करने का चार्ज झांझरकों को सौंपा और फिर पलट कर सराय की तरफ देखा तक नहीं, एक बार झांझरकों से कॉन्टेक्ट करके ये तक नहीं पूछा कि वहाँ क्या हो रहा है। सामान्य अवस्था में ऐसा नहीं होता है, आदमी ने किसी को किसी ड्यूटी पर लगाया हो तो रिपोर्ट तो लेता ही है, मगर हम अंटागाफिल हुए पड़े रहे। उसके बाद जैसे कि उम्मीद थी, तुमने गुलफाम मियाँ से कनेक्शन बनाया, उनसे मिले, समझ सकते हो जब हमें उम्मीद ही थी तो भला तुम्हारा वो मिलन हमारे नज़रों से कैसे बचा रह सकता था।
यानी जिस वक्त मैं उनके रेस्टोरेंट पर था, आपको मालूम था कि मैं वहाँ हूँ। 16 आने कैसे, ये राज की बात है दिल जले, ऐसे सवाल मत पूछो। और अगर मैं ये कहूँ आप कोरी गप मारे हैं, इस वक्त आपको मेरे यहाँ होने का पता नहीं था, तो बताता हूँ। गुलफाम के चेलों में से एक है रहठू, बीवी बच्चों वाला है बेचारा, और बीवी बच्चे वाला किसे प्यारे नहीं होते। अभी तक हमारी कोठी के एक बंद कमरे में दावत उड़ा रहे। राठू की समझ में जब ये बात आई कि अगर उसने हमारी बात ना मानी तो हमेशा के लिए बीवी बच्चों से महरूम हो जाएगा, और मान ली तो न केवल बीवी बच्चे बच जाएंगे बल्कि गुलफाम को भी। कभी पता नहीं चलेगा कि छुप छुप कर वहाँ की रिपोर्ट हमें देता रहा है, तो तुम समझ सकते हो उसने क्या किया होगा। यानी आप मेरे समीर सा बनने के बारे में तभी से जानते थे जब मैं बन रहा था, ये भी जानते थे कि तुम क्या करने वाले हो, फिर रोका क्यों नहीं, क्योंकि हमारे ख्याल से तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। उसके बाद तुमने जिम कार्बेट और माइकल आर्मस्ट्रांग का बंटाधार किया, साले इसी लायक थे, वहाँ से सीधे सराय पहुँचे। उस वक्त राहटों के जरिए हमें केवल उतना ही मालूम था जितना तुम्हारे और गुलफाम के बीच डिस्कशन हुआ था, अर्थात सराय में ठहरे आतंकवादियों को अपने जाल में फंसाकर किसी विमान का अपहरण करने की फिराक में हो, और जिम तथा माइकल की लाशों को पासपोर्ट बनाकर यूज करना चाहते हो। ये लाश को पासपोर्ट बनाने वाली बात उस वक्त हमारी समझ में नहीं आई थी। वो ऐसा दौर था जब हमें लग रहा था अब तुम पर हाथ डालना पड़ेगा, अर्थात गिरफ्तार करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि अब तुम ऐसे काम की तरफ बढ़ रहे हो जो कि नहीं होना चाहिए। आपका इशारा विमान अपहरण की तरफ है ना? करेक्ट, विजय ने कहा। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि तुम उस झमेले में पड़ो, मगर दिमाग ने कहा दबोचने का क्या है, जिस सन चाहेंगे दबोच तो हम तुम्हें लेंगे। जरा देखो तो सही खेल क्या खेल रहे हो तुम, कैसे लाशों को पासपोर्ट बनाओगे, हमारी इसी सोच के कारण तुम्हारा खेल चलता रहा। यहाँ ये बात स्पष्ट कर देनी जरूरी है कि हमारे नॉलेज के मुताबिक सराय में पहुंच चुके थे, मगर जहां जरक ने हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, जबकि उस पट्टे की तो ड्यूटी ही हमने सराय पर लगा रखी थी। ऐसा क्यों है ये पता लगाने के लिए हमने उसके पीछे एक जूनियर सीक्रेट एजेंट को लगाया, कहा तुम्हें केवल आँखें और दिमाग खोल कर रखना है, हाथ पैर बंधे रहने चाहिए, यानी किसी भी हालत में करना कुछ नहीं है, हमारे मोबाइल पर बस ये बताते रहना छोले भटूरे वाला कब कहाँ है और क्या कर रहा है, उसकी तो बात ही छोड़, किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि तो वहाँ है। ऐसा ही हो गया तो समझ ले सीक्रेट सर्विस का सीनियर एजेंट कभी नहीं बन पाएगा, तो हमेशा जूनियर का जूनियर ही रहेगा। पट्टे में सीनियर बनने की इतनी ज़बरदस्त धुन थी कि जहान जरोखे और गोगिया पासा सहित किसी को वहाँ अपनी मौजूदगी की भनक नहीं लगनी थी, जबकि रिपोर्ट उसने हमें जान झरके और गोगिया पासा के बीच हुई बातों तक की दे दी। कुंडली मारे कमबख्त उन्हीं की गाड़ी में विराजमान था। संक्षेप में बस ये समझ लो जो उन दोनों को पता लगता रहा वो हमें भी लगता रहा। ये भी कि सुप्रीमो मिर्जा अफजल बेग है, हाँ ये भी। अगर आपको इतना सा मालूम था तो गुलफाम अंकल को तो फिर भूल गए, विजय उसकी बात काट कर बोला। कोशिश तो हम यही करते नज़र आने चाहिए थे ना कि हर पल तुम तक पहुंचने के पुरजोर कोशिश करें। यहाँ ये भी बता देना जरूरी है हमारा राजदार हमारे अलावा कोई नहीं था, ब्लैक वाई भी नहीं। तभी तो जब उसने हमें सबीर शाह की हिस्ट्री बताकर राम प्रसाद का पता दिया तो हमें ईमानदार कोशिश करने दर्शाने के फेर में गुलफाम के रेस्टोरेंट पर जाना पड़ा। वहाँ से राम प्रसाद के घर, और वहाँ तो सारे रहस्य खोलने के लिए खुद ही तैयार बैठे थे। अब सोचो गुलफाम प्यारे कि हम पकड़ तो लाए, वो है ही रहस्य जानने के लिए ब्लैक वाई की नज़र में टीचर्स भी किया जो जानते थे, मगर टॉर्चर क्या किया समय गुजारा। चाहते तो हम ऐसा टॉर्चर भी कर सकते थे कि गुलफाम प्यारे पलक झपकते ही सब उगल देते, मगर हमें उगलवाना कहाँ था। आपके भूले गुरु, गुलफाम अंकल मर सकते थे मगर कुछ नहीं उगल सकते थे। एक बार फिर तुम हमारी अपरंपार क्षमताओं पर शक कर रहे हो दिल जले, लेकिन जाने दो इस बात को, जो हुआ ही नहीं उस घटना को बहस का मुद्दा क्यों बनाए।
इस वक्त तुम इस बात पर ध्यान दो कि हमने गुलफाम से साफ साफ कहा हम सब ईर्ष्या के विकास सोने का रहस्य जानते हैं मगर टीवी वालों को नहीं बता रहे। बता दे विकास का अभियान वहीं रुक जाएगा जहां तक पहुंचा है। बताओ हम ऐसा कर देते तो तुम्हारे सारे प्लान का कचूमर निकल जाता या नहीं? प्लान का, विकास ने कहा, मेरा ही कचूमर निकल जाता गुरु। लियाकत, असगर और सनवर बेसमेंट में ही घेर कर मुझे, मगर हमने वैसा नहीं किया। जो खेल हम खेल रहे थे उस खेल का बड़ा ही संवेदनशील पार्ट था ये, ब्लैक वाई की मिनोलेज में थी। टीवी पर हकीकत बताने का मतलब था तुम्हारा बंटाधार, न बताने का मतलब था खुद को ब्लैक वाई के संदेह के दायरे में लाना, यानी उसका ये समझाना कि तुम तक पहुंचने की हम ईमानदार कोशिश नहीं कर रहे, केवल नाटक कर रहे। ईमानदार कोशिश कर रहे हैं तो क्यों नहीं टीवी पर तुम्हारे विकास होने की पोल खोल देते? ये सवाल ब्लैक वाई ने उठा भी दिया था। हम बड़ी सफाई से ये जवाब देकर बच गए कि तुम्हें सजा हम अपने हाथों से देना चाहते हैं, और वे झांसे में आ गए। आना पड़ता है प्यारे, विजय दी ग्रेट जब किसी को झांसे में लेते हैं तो सामने वाले को झांसे में आना ही पड़ता है। विजय कहता ही चला गया, जूनियर जासूस से जब ये पता लगा कि तुमने झांझरों के और गुगिया पासा को दबोच लिया है तथा उसके द्वारा ये पता लगाने के बावजूद विमान अपहरण करने पर ही आमादा हो कि कराची एयरपोर्ट पर तुम्हारा स्वागत नुसरत तुगलक करने वाले हैं तो चिंतित होना पड़ा। इस स्पॉट पर ये बात एक बार फिर दिमाग में आई, बहुत हो चुका, अब आगे बढ़कर हमें इस खेल को रोक देना चाहिए। रोकने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने थे हमें। इधर मिर्जा अफजल बेग को दबोचने, उधर सनवर लियाकत और असगर सहितों में, मगर सच्चाई ये है उस वक्त तक खेल में हमें खुद भी मजा आने लगा था। हम देखना चाहते थे कि विमान अपहरण तुम कौन से पैतरे लगाकर करना चाहते हो। सो ये सोचकर मेडिकल पहुंचे कि जैसे हमें लगेगा ये कृत्य देश की बदनामी करने वाला है, ये खुद तुम्हारे जीवन के लिए घातक हो सकता है, तो प्लग झमकते ही हम सारा ये रायता बिखेर देंगे। उस वक्त तुम ताबूतों में से लाशें हटाकर उनमें खुद फिट हो रहे थे कि हमारे मोबाइल पर लुमट का फ़ोन आया। अल्फांसे अंकल का, विकास चौंका, इन्होंने तो हमें नहीं बताया कि इनकी आपसे फ़ोन पर बात हुई थी। लुमट मियाँ ऐसी गलतियाँ अक्सर कर देते हैं, विजय ने कहा, किसी और की गलतियों का जवाब भला क्यों दे? जवाब तुम ही तो लुमट मियाँ, तुम्हारे जवाब तो दिल जले के सवाल का। अल्फांसे ने मुस्कुराकर कहा, जब इतना सब कुछ तुमने बताया तो आगे भी तुम ही बता दो। अजी ठेंगा, कोई ठेका लिया आएगा सब कुछ बताने का? कहने के साथ उसने फ्रिज खोलकर एक बोतल निकाल ली, उसका ढक्कन खोलते हुए बोला, यहाँ बोलते बोलते साला अलग सूख गया। एक तुम हो कि खड़े खड़े बस होठों को कष्ट दिए जा रहे हो, यानी कभी दिल जले की हैरानी पर मुस्कुरा रहे हो तो कभी हमारी कारस्तानी पर। सीन में अब तुम्हारी एंट्री हो चुकी है, यानी तुम्हारा फ़ोन मेरे पास आ चुका है, इसके बाद की कथा तुम ही सुनाओ तो बेहतर है। खाने के बाद उसने विलिस्त्री की बोतल मुंह से लगाई और गटागट पानी पीता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि तारीख में तो वो बोतल को अपने मुंह से हटाने वाला ही नहीं। मैंने पाकिस्तानियों की कैद से निकलने की कराची पहुंचकर विजय को फ़ोन किया था। अल्फांसे ने अब यहाँ से अपनी कहानी बताना शुरू किया। कारण था तुम्हारे लिए मेरी चिंता, ये सोच कि नुसरत तुगलक के जाल में फंसे तुम पता नहीं कहाँ तक पहुँच चुके होगे। या मैं तुम्हें बता दूँ, पहले जो मैंने तुमसे कहा था कि मैंने राजनगर स्थित अपने शिष्यों को सक्रिय किया था और उन्हीं के जरिए मुझे भारत की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, वो झूठ था। सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इस झकझकी ने दी थी। चेले चपाटों का नाम तो बस इसलिए बीच में आया ताकि तुम्हें संतुष्ट भी कर दूँ और तुम्हारी नॉलेज में ये भी ना आए कि झकझकिया भी इस खेल में इन्वॉल्व है। ऐसी इच्छा इसी की थी क्यों गुरु? विकास ने विजय से पूछा। जब आप सब कुछ कर ही रहे थे तो खुद को मेरी नॉलेज में क्यों नहीं रखा? क्यों पर्दे के पीछे से काम किया है? क्योंकि डायरेक्टर का काम पर्दे के पीछे रहना ही होता है। बोतल मुंह से हटाकर विजय ने अपनी ही स्टाइल का जवाब दिया। फ़ोन पर तुम लोगों की क्या बातें हुई? मैंने झकझकी को बताया कि तुम क्या करने वाले हो और कराची में नुसरत तुगलक लिए क्या जाल बिछा रहे हैं, अल्फांसे ने कहा। मैं चाहता था ये तुम्हें विमान अपहरण करके कराची ना आने दे और ये पता लगाकर सुप्रीमो को भी पकड़ ले कि वो कौन है। इसने मुझसे पूछा, तुम्हें सब कैसे मालूम? मैंने संक्षेप में अपने साथ घटी घटना बता दी। सुनने के बाद इसने भी वो सब बताया जो भारत में घटा था और ये जानता था।
जब इसने कहा तुम इस वक्त विमान में यात्रा हेतु लाश में तब्दील होकर ताबूत में बंद हो चुके हो, तो मैंने कहा झकझकिए किसी भी तरह रोक उन्हें, ये ठीक है कि विकास की नॉलेज में नुसरत तुगलक के इरादे आ चुके हैं और वो अपहृत विमान को कराची की जगह कहीं और लैंड करने के मंसूबे बना रहा है, मगर इससे ये बच नहीं सकेगा, वो विमान को पाकिस्तान में चाहे जहां लैंड कराए अंततः नुसरत तुगलक के चंगुल में फंसी जाएगा। जवाब में झकझकी ने कहा सोच तो मैं भी यही रहा था लुमड़ प्यारे कि इस खेल को बस यहीं रोक दिया जाए, मगर अब तुम्हारा फ़ोन आया है तो हमारे दिमाग में एक आइसक्रीम तैयार हो रही है। नुसरत तुगलक नाम के नमूनों को उन्हीं के द्वारा बिछाई गई शतरंज की बिसात पर मात देने की आइसक्रीम। मैंने पूछा तुम क्या सोच रहे हो, हमारे दिमाग में ओवैसी कार्यवाही को अंजाम देने का आइडिया आ गया था जैसी कार्रवाई की अपेक्षा रक्षा मंत्री ने हमसे की थी। उधर अल्फान से सांस लेने के लिए रुका था, इधर विजय कहता चला गया ऐसी कार्रवाई जिसमें भारत की बदनामी भी नहीं, पाकिस्तान का कोई बेगुनाह नागरिक भी न मारा जाए और ये मुल्क दुनिया के सामने एक्सपोज भी हो जाए। अब हमने उस आइसक्रीम को अंजाम देने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए। लूमर तो उससे कहा सबीर शाह के रूप में यहाँ से चलेगा तो दिल जला ही, विमान अपहरण भी वहीं करेगा, मगर नमूनों के पास पहुँचेगा कोई और। लूमर ने कहा क्या अनाप शनाप पक रहे हो, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तब हमने इसे पूरी आइसक्रीम बताई, वो आइसक्रीम ये थी कि मैं समझ गया गुरु सारी स्कीम समझ गया आपकी। विकास ने कहा समझोगे क्यों नहीं, बड़े होनहार बच्चे हो फिर भी बताओ क्या समझे। अशोक पांडे अल्फांसे गुरु का कोई चेला नहीं बल्कि आप ही का कोई प्यादा है, यही वही है सीक्रेट सर्विस का जूनियर जासूस जिसे झांझरों के पीछे लगाया था और उस वक्त भी पोस्टमार्टम हाउस के आसपास ही मौजूद रहा था जब ये आइसक्रीम बनी। सीक्रेट सर्विस की फोर्स के कारण आपके लिए इतने से टाइम में उस प्लेन में अशोक पांडे को यात्रा का इंतजाम करना जरा भी मुश्किल नहीं थी। आपने उसे दो फेस मास्क दिए, एक मेरे फेस का दूसरा खुद उसके फेस का। पूरी स्कीम समझाई उसे ये कि प्लेन जब हाईजेक हो चुकी हो तो उसे मुझसे वैसे ही कॉन्टेक्ट करना है, क्या कहना है, उसने वहीं सब कुछ कहा और किया। हमने उससे यही कहा था तुम्हें भूल जाना है कि तुम सीक्रेट एजेंट हो, सारे काम खुद को अल्फांसे का चेला बताकर करना है। विकास से लेकर नुसरत तुगलक तक वहीं उसने किया। लुमड़ के नाम के पीछे कारण एक ही था, कहीं भांडा भी फूटे तो हिंदुस्तान पर आरोप लाए, सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम का किया धरा माना जाए और लुमड़ का नाम इस्तेमाल करने की परमिशन हम फोन पर इसे सारी आइसक्रीम बताकर इसे ही ले चुके थे। अशोक पांडे ने हर कदम पर वही किया और बड़ी खूबसूरती से किया जो उसे समझाया गया था, उसके कारण वो फिल्म तैयार हो सकी जिसके रहते आज पाकिस्तान सारे संसार के सामने नंगा हो सका है। इस बीच हम अपने तरीके से कराची पहुंच गए थे, लूमड़ को उस कैमरे से संबोधित इंस्ट्रूमेंट दे चुके थे जो अशोक पांडे के बटन की शक्ल में था, तभी तो लूमड़ ने तेरे सामने उस सारे सीन को रिकॉर्डिंग की। अशोक पांडे खुद जान देकर नुसरत तुगलक का किस्सा ख़त्म करने वहां चला गया था मगर इस काम में कामयाब नहीं हो सका, बावजूद इसके एक तरह से मौत हो ही गई है नुसरत तुगलक की, देशद्रोही करार देकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है। देशद्रोही करार देना तो दुनिया को दिखाने के लिए है, असलियत तो ये है कि आज जो सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुंह काला हुआ है खुद मुशर्रफ उसका जिम्मेदार उन्हें ही मानता है और है भी नवे विकास के रूप में अशोक पांडे को अपने सामने देकर कामयाबी के मद में चूर इतना सा बोलते नहीं पाकिस्तान की नाक कटती, मगर हमें पहले ही इल्म हो चुका था कि नाक कटने का ये मौका हमारे हाथ लग चुका है। वे नमूने बोलते ही इतना ज़्यादा और उल्टा सीधा है कि हमने कल्पना कर ली थी खुद के सामने विकास को देखकर वो किस तरह मस्त हो जाएंगे, तभी तो अशोक पांडे के बटन की जगह कैमरा लगाकर भेजा, वहाँ होने वाले ड्रामे की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की। लो जाना, विजय सांस लेने के लिए रुका और पुनः कहता चला गया
ये थी उस थप्पड़ की कहानी जो लूमड़ के सहयोग से पाकिस्तान की कनपट्टी पर हिंदुस्तान ने मारा है। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि वो सीडी कितने पापड़ बेलकर, कितने खतरे उठाकर तैयार की गई, जिस तुम इस तरह रजनी शर्मा को सौंप आए जिससे किसी की शादी की सीडी हो। सोचो, एक तीर से कितने शिकार कर दिया हमने, पाकिस्तान को एक्सपोज कर डाला, नमूनों को हमेशा के लिए इन्हीं की जेल में डलवा दिया। मगर जानते हो, अभी यही है कि ये सारा काम लूमड़ ने किया है। भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है। और एक तरह से सच्चाई भी यही है, लूमड़ साथ न देता तो ये सब इतनी आसानी से नहीं हो सकता था। क्यों झूठी तारीफ करते हो, बांस पर चढ़ा रहे हो, अल्फांसे ने कहा। सारा किस्सा सुनकर विकास खुद ही समझ गया होगा कि किसने क्या किया है। ऐसी बात नहीं है लूमड़, तुम पाकिस्तान में ना होते तो हम किसी हालत में दिलजले को इस तरह विमान अपहरण करके यहाँ ना आने देते। तुम यहाँ थे, हौसला था, कोई गड़बड़ हो गई तो संभाल लोगे, बाल तक बाका नहीं होने दोगे दिलजले का। वहीं हुआ, पाकिस्तान की धरती पर कदम रखते ही तुमने इसे अपनी छत्र छाया में ले लिया। और अब जो आप ये मेकअप किए घूम रहे हैं, विकास ने पूछा, ये किसका फेस है? किसी का नहीं। क्या मतलब? मतलब क्या होता दिलजले? पाकिस्तान में अपने ओरिजिनल फेस के साथ तो घूम नहीं सकते, खुद को छुपाने के लिए कुछ तो चाहिए। सो यूं ही मुसलमान नज़र आने के लिए अनाप शनाप मेकअप कर लिया है। अब जब सारी बातें खुली गई हैं तो एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा। कह दो, पहली बार आप दोनों को किसी मिशन पर इस कदर मिलकर काम करते देखा है, वरना तो ज़्यादातर आपका 36 का आंकड़ा रहता है। कारण सिर्फ तू है गधे, सिर्फ तू, अल्फांस ने कहा। तो हम दोनों को ही बराबर प्यारा है, तो मिशन फिर स्वतः एक हो गया। तेरी हिफाजत, तेरा बाल बाका ना हो पाए, हमें कदम से कदम मिलाकर चलने पर तेरी मोहब्बत ने महफूज किया। और कदम से कदम अगर विजय और अल्फांसे के मिल गए हो, मेरे दो गुरु एक हो गए हो, तो कीर्तिमान तो स्थापित होना ही था। केवल सुना था, एक और एक 11 होते हैं, होते पहली बार देखा। क्या मतलब? कीर्तिमान ही तो स्थापित हुआ ही है। पाकिस्तान जो न जाने कब से हिंदुस्तान में उछल कूद मचा रहा है, मगर हम विश्व जनमत के सामने ये साबित नहीं कर पाए कि वो उछल कूद पाकिस्तान के द्वारा सच्चाई जा रही है, फैलाई जा रही है। और अपने आपने मिलकर एक ही झटके में उन्हें एक्सपोज कर दिया। अमेरिका तक की ये टिप्पणी में टीवी पर सुन चुका हूँ कि पाकिस्तान का हाल अब इराक जैसा होने वाला है। चल, विजय ने कहा, हम इसी से संतुष्ट है कि तू संतुष्ट हुआ, अब लौट चले। कहाँ? लड़की की आंखें सिकुड़ गई। भारत, अपने वतन। मैं समझ रहा हूँ, आप दोनों की भाषा समझ में आ रही है मेरी, उसने सतर्क नज़रों से एक साथ विजय अल्फांसो को देखते हुए कहा। अल्फांसे गुरु ने बात ही यहाँ से शुरू की थी कि पाकिस्तान के गाल पर थप्पड़ पड़ चुका है। ये शायद ये कहना चाहते थे कि अब उस थप्पड़ की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है जिसके लिए मैं यहाँ आया था। और अब आपके शब्दों से भी मुझे ऐसी ही वो आ रही है। वो क्या आ रही है? आप तो लगभग साफ ही कह चुके हैं। आपने मुझसे भारत लौटने के लिए कहा है। क्यों कहा? मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हो तो गया है प्यारे। नहीं गुरु, जिन तर्कों से आप मुझे कन्विंस करना चाहते हैं, मैं उनसे कन्विंस होने वाला नहीं हूँ। ओह, वो पूरी सतर्कता के साथ पीछे हटने लगा था। अब आया मेरी समझ में आपका प्लान, आप दोनों का प्लान। इतनी लंबी चौड़ी कहानी मुझे इसलिए सुनाई गई ताकि आप दोनों मेरे दिमाग में ये भर सके कि मुशर्रफ के गाल पर थप्पड़ मारने की अब कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई है। विजय गुरु तो शुरू से चाहते ही थे, और आप अल्फांसे गुरु, आप भी इनसे कन्विंस हो गए। इसमें गलत भी क्या है विकास? अल्फांसे ने कहा। देखा जाए तो ज़रूरत ही क्या रह गई है अब उस थप्पड़ की? पूरे मुल्क के गाल पर ऐसा थप्पड़ पड़ चुका है जिसकी गूंज पाकिस्तान की कम से कम 7 पीढ़ियों के कानों में गूंजती रहेगी। जरा सोच दिलजले, क्या हाल कर दिया हमने पाकिस्तान का। अपने मुल्क तुगलक जैसे जासूस इन्हें कालकोठी में डाल देने पड़े हैं। तो ये चाहता था ना कि दुनिया के नक्शे से पाक साफ हो जाए, कम से कम वो पाक जिसने हिंदुस्तान को आतंकवाद की भट्टी में झोंक रखा है, वो वही होने वाला है। यकीन रख, जो बीज हमने बो दिए हैं
उनसे जब कोफ़स फूटेगी तो यही होने वाला है। किसी भी मुल्क में आज जो शख्स सना है उसके विरोधी ही ज़रूर होते हैं। ऐसे विरोधी तो तब तक नज़र नहीं आ रहे होते जब तक ताकत सतासीन शख्स के हाथ में रहती है, मगर अंधे अंदर मौके की तलाश में रहते हैं। मौका लगते ही सामने आ जाते हैं, झपट पड़ते हैं। अफगानिस्तान और इराक के उदाहरण दुनिया के सामने हैं। जब तक मुल्ला उमर, उसामा बिन लादेन और सदाम की पकड़ मजबूत रही तब तक कोई सामने नहीं आया था। नज़र यह आता कि इन देशों को जनता भी इन्हीं के साथ है, लेकिन जब इनके तख्ते पलटे तो वहीं जनता सदाम के चित्रों पर जूते मारती नजर आई, उसके स्टेचुओं पर कूदती नजर आई और सत्ता के गलियारों में नए चेहरे नजर आने लगे। दुनिया के नक्शे से वे अफगानिस्तान और इराक साफ हो गए जो आतंकवाद को पनाह दे रहे थे, वही चीज हर पाकिस्तान में हो चुके हैं। जनता आज मुल्क को कलंकित करने वाले मुशर्रफ को उकाड़ फेंकने के लिए बेचैन है। मुशर्रफ के विरोधी सक्रिय हैं चुके हैं, जिन्हें अगर भारत का पिट्ठू भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारे द्वारा तैयार किए गए माहौल का फ़ायदा उठाकर बहुत जल्द वे मुशर्रफ को धराशायी करके सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। साफ हो जाएगा उपाक जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैला रहा है, उसकी सत्ता कायम हो जाएगी। यहाँ जो भारत के साथ अच्छे पड़ोसी की तरह रहेगा, ये काम नुसरत तुगलक जैसे लोग ही करेंगे, दिल जले वही करेंगे जिन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। और हमें क्या चाहिए? बहुत खूब गुरु, बहुत खूब अच्छे सब्जवाग दिखाने की कोशिश करें आप मुझे, यही सवाल फांसी गुरु ने कहा होगा, तभी तो ये भी आपके साथ हो गए। ये सब्जवाग नहीं है, हकीकत है विकास, अल्फांसे ने कहा। कोशिश कर समझने की कोशिश आपको करनी है गुरु, आप दोनों को। मुझे बस एक ही बात याद है, ये कि मैं भारत से मुशर्रफ परवेज के गाल पर थप्पड़ मारने निकला हूँ और अब बगैर अपना काम पूरा किए मैं लौटने वाला नहीं हूँ। यही तो समझा रहे हैं गधे, उससे ज़्यादा झनझटदार थप्पड़ पड़ चुके हैं उसके गाल पर, अब जरूरत क्या रह गई उस थप्पड़ की? आपको जरूरत नहीं होगी गुरु, लेकिन मुझे जरूरत है, मेरे देश की जनता को जरूरत है, उन करोड़ों हिंदुस्तानियों की जरूरत है जिनसे मैं ये थप्पड़ जड़ने का वादा करके आया हूँ। मैं यूं ही लौट गया तो उनका तो अपमान हो जाएगा। जो विकास सब कुछ होने दे सकता है मगर करोड़ों भारतीयों का अपमान नहीं होने दे सकता। आपने और विजय गुरु ने मिलकर पाकिस्तान के गाल पर जो चाटा मारा है उसके बारे में आप जानते हैं या मैं? मुमकिन है चंद लोग और जान गए, मगर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को कभी पता नहीं लगेगा कि हमने कुछ किया है, क्योंकि जो हमने किया उसे ओका कर कभी कबूल कर ही नहीं सकते कि हमने कुछ किया है। नहीं गुरु, पर्दे के पीछे से मारा गया आपका ये चाटा करारा भले ही चाहे जीतना हो मगर मेरे देशवासियों को शांति प्रदान नहीं कर सकेगा, उनकी तड़पती हुई आत्माओं को सुकून नहीं पहुँचा सकेगा। जिन माओं ने आतंकवाद की बलिदेवी पर अपने बेटों को चढ़ते देखा है उनकी आंखों को आपका नहीं विकास का चाटा ही चैन पहुंचाएगा। वे तभी उछल उछल कर तालियां बजाएंगी जब उन्हें पता लगेगा कि विकास ने उनके बेटे के हत्यारे के मुंह पर एक जोरदार चाटा जड़ दिया है। इससे समस्याएं खड़ी हो जाएंगी दिल जले, दिमाग का इस्तेमाल कर दुनिया को दिखाई गई फिल्म के मुताबिक तू इस वक्त पाकिस्तान की कैद में है, फिर कैसे खुलेआम मुशर्रफ को चाटा मार सकता है? इस तरह तो हमारी वो फिल्म ही झूठी हो जाएगी, सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। दुनिया पूछेगी फिल्म अगर सच्ची है, विकास अगर पाकिस्तान की कैद में था तो उसने ये चाटा कैसे मार दिया? उल्टे हम ही झूठे साबित हो जाएंगे, हमसे मतलब भारत से। और कम से कम ये तो तू नहीं चाहेगा कि दुनिया के सामने भारत झूठा साबित हो। जो शर्मिंदगी आज पाकिस्तान को उठानी पड़ रही है कल वही शर्मिंदगी हिंदुस्तान को उठानी पड़े, क्या तू ऐसा चाहेगा कभी? बहुत चालू है गुरु आप, बहुत चालू है, विकास की दुख तिरक पर हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है लड़के, तू खुद सोच, क्या स्थिति यही नहीं है? क्या वर्तमान हालात में तेरा मुशर्रफ के गाल पर चाटा मारना ऐसी बेवकूफ़ी नहीं होगी जो बने बनाए काम को बिगाड़ दे? आपको मालूम है विजय अंकल, विकास हमेशा बेवकूफियाँ ही करता रहा है, क्या मतलब? और इन बेवकूफ़ियों को संभालने के लिए आप हैं, संभालते ही रहे हैं और हमेशा, और इस बार तो क्राइमर अंकल भी आपके साथ हैं, दोनों मिलकर संभाल लेना।
आप मुझसे सोचने की बात कर रहे हैं? सोचने का काम मेरा है कहाँ? दिमाग है ही कहाँ मुझ में? मैं तो दिल से काम लेता हूँ, भावनाओं के पंखों पर उड़ता हूँ। दिमाग का ठेका तो आपको दे रखा है मैंने, मैं काम बिगाड़ूंगा और मुझे पूरा यकीन है आप अपने दिमाग से उसे संवार लेंगे। अब तो दो दो दिमाग है संवारने वाले दिमाग, जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान के गाल पर सचमुच ऐसा थप्पड़ मारा है जिसकी गूंज यकीनन 7 पीढ़ियों तक गूंजेगी। मतलब बेवकूफ़ी किए बगैर मानेगा नहीं? हाथ में रिवॉल्वर लिए विकास दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, आपने सोच कैसे लिया कि विकास करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को पूरा किए बगैर भारत लौट सकता है? ये तो सोचा था कि तू बेवकूफ़ है, अपने चेहरे पर दृढ़ता के भाव लिए विजय उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मगर ये नहीं सोचा था सरदार है बेवकूफ़ों का, अबे अपनी बेवकूफ़ी से सारे के धरे पर पानी फेरते चला है। दरवाजे के नज़दीक ठिठका विकास, गुर्राया, रुक जाओ गुरु वरना गोली चला दूंगा और वो हमें लग भी जाएगी, विजय ने निरंतर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। विकास समझ गया कि गुरु क्या कर रहे हैं, उनकी नज़र बराबर उनके हाथ में दबे रिवॉल्वर थी। जानता था संघ 8 के प्रदर्शन से वे उसके चलाए गए गोली से बच जाएंगे, फिर भी उसने अपनी उंगली पर रिवॉल्वर को घुमाकर ताकि गुरु की नज़र नाल पर स्थिर न रह सके और टेगर दबा दिया। धाएं 16 विजय पर लपका मगर उसके पीछे वाली दीवार में जा धंसा, जबकि स्वयं हवा में कालाबाजियां खाता हुआ विकास के जिस्म की अभी हवा ही था। विकास तक पहुँच नहीं पाया था कि हवा में लहरा रहे एक और जिस्म से टकराया। टकराया क्या, बाकायदा घूसा झेला अपने चेहरे पर, घूसा भी इतना मजबूत जिसने उसे हवा में ही विकास से विपरीत दिशा में उछाल दिया। इधर वो धाड़ से फर्श पर गिरा, उधर दरवाजा बंद होने की आवाज गूंजी, उछल कूद ये वापस खड़ा हुआ ओ जैसे जिसमें स्प्रिंग का बना हो, मगर तब तक दरवाजा बाहर से बंद होने की आवाज आ गई थी। वैसे भी दरवाजे पर जिन की तरह खड़ा अल्फांस से मुस्कुरा रहा था। विजय ने बौखला कर चारों तरफ नजरें घुमाई, कमरे से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। ये क्या हरकत हुई लूमट, उसने कहा, तुम साले बेपैदी के लोटे कभी इधर लुढ़कते हो तो कभी उधर, एग्रीमेंट के विरुद्ध आचरण करोगे तो ऐसा ही होगा। एग्रीमेंट, हालांकि बातें जुबानी हुई थी मगर तय ये पाया गया था कि तुम विकास को समझाने की कोशिश करोगे, मैं भी पूरा साथ दूंगा। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं ऐसा नहीं किया। इसके बावजूद अगर बात उसकी समझ में नहीं आई तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम जोर जबरदस्ती पर उतर जाओ। वो फाउल था और जब फाउल होता है तो अल्फांसे को गोल लोटे की तरह लुढ़कना पड़ता है। अबे मगर क्या, तुम्हें समझना चाहिए, उसके समझने का स्टाइल ही ये है, बातों का लातों का भूत बातों से नहीं मानता। जब लाते पड़े अल्फांसे के शिष्य को कोई लात नहीं मार सकता। ओ ठेकेदार हो गए उसके, मगर लूमट प्यारे सोचो तो सही, क्या गजब करने जा रहा है वो, हम दोनों के सारे किए धरे पर पानी ही फिर जाएगा, जिसे हम पाकिस्तान की कैद में साबित करना चाहते हैं, वो मुशर्रफ के गाल पर चाटा मारेगा, कैसे कैसे होगा ऐसा, सोचो दिमाग भी डाओ। क्या मतलब, यही तो कहा गया है ओ सोचो दोनों काम कैसे हो सकते हैं, यही तो कहा गया है वो सोचो दोनों काम कैसे हो सकते हैं, वो पाकिस्तान की कैद में भी साबित हो जाए और मुशर्रफ के गाल पर थप्पड़ भी चढ़ दे, एक तरह से तुम्हारे दिमाग को चैलेंज दे गया है वो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साले लूमट, तुम सचमुच बेपैदी के लोटे हो, बड़ी गहरी मुस्कान के साथ कहा अल्फाज ने, काम यही बेपैदी का लोटा ही आएगा, याद रखना। रात के 8:30 बजे थे, काले रंग की एक चमचमाती हुई लंबी गाड़ी राष्ट्रपति भवन की ऊंची 4 दीवारी में बने आस के विपक्ष गेट के बाहर रुकी। हालांकि वहां भरपूर रोशनी थी फिर भी गेट पर तैनात सुरक्षा सैनिकों ने अपने हाथों में मौजूद शक्तिशाली टॉर्चों के दायरे गाड़ी की नंबर प्लेट पर घुमाया। प्लेट बता रही थी गाड़ी आर्मी की है, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस। एक सुरक्षा सैनिक ने नंबर पहचान कर दूसरे से कहा, दरवाज़ा खोल। दरवाज़ा इस तरह खोला जैसे किसी बटन के दबने पर खुला हो। जिस वक्त गाड़ी दरवाज़ा पार करके अंदर जा रही थी उस वक्त एक टॉर्च ने ड्राइवर के चेहरे का मुआयना किया, दूसरी ने पिछली सीट पर बैठे कमांडोज के चीफ का। इधर गाड़ी ने दरवाज़ा पार किया उधर पीछे दरवाज़ा वापस बंद हो गया।
धनुषकार डाइवे पर गाड़ी तैरती सी चली गई। डाइवे ही नहीं बल्कि उसके दोनों तरफ दूर दूर तक फैला लॉन तेज सर्च लाइटों की रोशनी से जगमगा रहा था। वातावरण में खिले हुए फूलों की महक थी और थे चारों तरफ नजर आ रहे सैनिक, सशस्त्र सैनिक, चाक चौबंद पूरी तरह मुस्तैद। सैनिक इतने ज़्यादा थे और चप्पे चप्पे पर फैले हुए थे कि उन्हें गिना नहीं जा सकता था। राष्ट्रपति भवन था ये, सुरक्षा के इंतजाम तो रहते थे परंतु विकास के खौफ ने उन इंतजामों को पटाक ताक पर रख पहुँचा दिया था। हालांकि ये राज चंदी लोगों तक सीमित थी कि शक्ति विकास के कारण है। आम सैनिकों को तो वही जानकारी थी जो पूरे विश्व की थी, ये कि विकास पाकिस्तान की कैद में है। वो तो बस इसलिए शक्ति बरत रहे हैं क्योंकि ऊपर से शक्ति बरतने का आदेश था। प्रत्येक सैनिक गाड़ी को इस तरह घूर रहा था जैसे उसी में राष्ट्रपति की हत्या का तलबगार हो। गाड़ी राष्ट्रपति भवन की भव्य इमारत के विशालकाय पोर्च में पहुँच कर रुकी। एक सुरक्षा सैनिक ने अदब से आगे बढ़कर पिछला दरवाज़ा खोला। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस बाहर निकला। आसपास खड़े सैनिकों की एडिया बाजी परंतु चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस किसी पर भी ध्यान दिए बगैर फुर्ती के साथ इमारत के मुख्य द्वार तक पहुंचने वाली सीढ़ियां चढ़ता चला गया। जहां गाड़ी रुकी थी मुख्य द्वार वहां से 10 फुट ऊपर था। सुरक्षा सैनिकों ने गाड़ी का दरवाज़ा वापस बंद कर दिया था। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी फिर उसे सड़क पर चलाना हुआ उस दिशा में ले जा रहा था। करीब 10 गाड़ियां पहले से ही वहां खड़ी हुई थी। प्रोटोकॉल के मुताबिक विजिटर्स की गाड़ियां वहीं खड़ी होती थी। पहले से खड़ी गाड़ियों के ड्राइवर नज़दीकी खड़े बतिया रहे थे। सीक्रेट सर्विस के वे सभी सैनिक थे वर्दी पहने हुए। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस के ड्राइवर ने भी गाड़ी घुमाकर पार्किंग में लगा दी। सभी गाड़ियों के पिछले हिस्से राष्ट्रपति भवन की ऊंची चार दीवारी की तरफ थे। उसने गाड़ी वहां लगाई थी जहां चीफ ऑफ कमांडोज की गाड़ी पहले से खड़ी थी। इधर ड्राइवर ने गाड़ी पार करने के बाद की और बतिया रहे ड्राइवरों की तरफ बढ़ा। उधर उसकी गाड़ी की डिक्की से बहुत ही बारीक से झेरी बनी और सुर्ख रंग की दो आंखें बाहर का नज़ारा करने लगी जिसकी खबर किसी को नहीं हो रही थी। आदरणीय श्रोता, तो ये थी हमारी आज की उपन्यास की 9वीं एपिसोड स्टोरी विद अरुण पर। अभी आप लोग सुन रहे थे वेद प्रकाश शर्मा की लिखी विजय विकास सीरीज की उपन्यास पाक साफ। इस नॉवेल की ये 9वीं कड़ी थी। इससे आगे की उपन्यास की कथानक इसके 10वें एवं इसकी आखिरी एपिसोड में आप लोग सुन सकते हैं। या फ्रेंड्स, इस नॉवेल का आखिरी चैप्टर होगा इसका 10वां एपिसोड जिसे लेकर आऊँगा मैं अरुण गिरी कल की श्रृंखला में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर सस्पेंस, थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री उपन्यास सुनना चाहते हैं तो इस चैनल के मेंबरशिप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा क्योंकि मेंबरशिप ग्रुप में एक से बढ़कर एक कई सारे सस्पेंस, थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री उपन्यास अपलोड किए जा रहे हैं जिसके लिए आप लोगों को इस चैनल का मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो एक बार उसे भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब अगली मुलाकात होगी कल इसी नॉवेल के 10वें एवं इसकी आखिरी एपिसोड के साथ। तब तक ले दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाज़त। नमस्कार।